बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो मेरे नॉर्मल वीडियो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आया हूँ ये सेल के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हम लोगों का प्रोजेक्ट है, यानी डिज़ाइन 36 का। इस वीडियो बनाने की ज़रूरत पेश इसलिए आई क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए। उसके अलावा जो काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको मैं ऑन ग्राउंड ये विज़िट करवा सकता था साइट, लेकिन काफ़ी ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इसी के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में देखने वाले जो लोग हैं उन लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। तो उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि हमारी जो इस वक्त साइट है जो कि बिल्कुल अपने कम्प्लीशन में है उसका मैं ओवरव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कम्प्लीटली डिज़ाइन 36 का प्रोजेक्ट है जिसकी एंड से लेकर चाबी तक का जो सफ़र है वो हम लोगों ने तय करवाया है। एक से लेकर एक चीज़ इसकी वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, घर की डिज़ाइनिंग हो, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ से ये कम्प्लीट हुए। इस घर के जो क्लाइंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 3 बेडरूम्स चाहिए, बेसमेंट भी चाहिए, लेकिन मुझे इस तरीके से डिज़ाइन करवाना है कि फ़र्स्ट फ्लोर जो है वो मैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसको छोड़ दूं क्योंकि अभी मुझे उसकी नीड नहीं है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस घर का लेआउट डिज़ाइन किया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया। नॉर्मली जो आप मेरी वीडियोज़ देखते रहे हैं उनसे डिफरेंट आपको इसका फ्लोर प्लान देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं पूरी वीडियो के दौरान ही इस घर के डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं घर के ओवरव्यू की जानिब। इस घर की लोकेशन है DHFA 7 सेक्टर वी में, जैसा कि घर नंबर आपको नज़र आ रहा है 612 वी। ये है इसका खूबसूरत सा फ्रंट एलिवेशन। इस एलिवेशन को आप किसी भी तरीके से देखें तो इसको देख के लगता नहीं है कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि नॉर्मली फ्रंट जो होता है घर का जिसमें फ़र्स्ट फ्लोर को डिज़ाइन ना किया गया उसको देख के ये नज़र आ रहा होता है कि घर को किसी तरीके से इनकम्प्लीट छोड़ा गया है। लेकिन अगर आप इसको 360 डिग्री में कहीं से भी देखते हैं तो ये कहीं से भी आपको फर्स्ट ग्लैंस में ऐसा लगता ही नहीं है कि इस घर को डिज़ाइन ऐसे किया गया कि फ़र्स्ट फ्लोर की अभी इसकी प्लानिंग बाकी है। और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्रंट एलिवेशन है। DHFA 7 लाहौर में सेक्टर वी में ये प्रोजेक्ट है। इसका खूबसूरत सा आउटर लॉन एरिया डिज़ाइन किया है, ज़बरदस्त सा इसका एलिवेशन। और ये इसका कार रैंप है। ये इसका जो आप गेट देख रहे हैं इस पर अभी कलर होना बाकी है। फुटस्टेप्स, और आप घर में जैसे एंटर होते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको कार पोर्च मिल जाता है जहाँ पे आप 2 से 3 गाड़ियाँ तो बहुत इजीली पार की जा सकती हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कार पोर्च की रूफ़ है उसको काफ़ी हाइट्रीटली यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट सी थीम को मद्देनज़र रखते हुए इसके कार पोर्च के सीलिंग को डिज़ाइन किया गया है। सामने अभी इसकी वॉल वहाँ पर काम आप देख रहे हैं अभी चल रहे हैं। और एंटर हो गए मज़ीद घर में, लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो घर का इनर लॉन एरिया है। उसी के साथ यहाँ पे फुली हाइटेड एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि घर कंप्लीशन में है, तकरीबन 4 से 5 दिनों के अंदर जो क्लाइंट हैं उन्होंने शिफ्टिंग करनी है। घर में आप जैसे एंटर होंगे, एंटर होकर सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे फुली हाइटेड इसकी आपको एंट्रेंस मिल जाती है। महागनी वुड का यूज़ किया गया पूरे घर में। और ये है इस घर का रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़ा रिसेप्शन एरिया यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये डबल हाइटेड इसकी लॉबी है। फर्दर आप इस घर में आगे आते हैं तो इधर से लेफ्ट होके घर के ड्राइंग और डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन किया गया है। फ्लोरिंग का काम अभी यहाँ पे बाकी है। सामने आप देख सकते हैं कि वॉल डिज़ाइनिंग का काम इस वक्त चल रहा है। इसका ज़बरदस्त सा सीलिंग डिज़ाइन है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि 11 फुट की यहाँ पे विंडोज़ को डिज़ाइन किया गया और उसी के साथ टेम्पर्ड ग्लास है 12 mm का, जहाँ से आप एक बहुत ही वाइड एंगल व्यू देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है यहाँ से। अभी यहाँ पे काम चल रहा है। ये वीडियो बनाने की नौबत सिर्फ इसलिए आई कि ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि इस वक्त जो एक्चुअल साइट है वो अपनी वर्किंग कंडीशन में है और कंप्लीशन की जानिब है, ताकि कोई भी ऐसा पोटेंशियल क्लाइंट जो के काम करवाना चाह रहा हो हमारे थ्रू, कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहा हो या मैप डिज़ाइनिंग की सर्विसेज लेना चाह रहा हो, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ड्राइंग और डाइनिंग की एक्सेस यहाँ से भी है और इधर लेफ्ट साइड से भी डिज़ाइन की गई है।
फर्दर घर के प्लान की जाने मैं आपको बाहर से लेके चलता हूँ। इधर भी सीलिंग डिज़ाइन देख लें आप। घर में आप जैसे एंटर होंगे, एंटर हो के आगे आके स्टेयर केस हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके जाती हैं। उसी के साथ सामने आप यहाँ पे देखेंगे, अगेन यहाँ पे फुली हाइटेड डोर को डिज़ाइन किया गया महागनी वुड और ग्लास के कम्बिनेशन से। और यहाँ पे आप देखेंगे इस घर का पाउडर रूम है। और ये है ग्राउंड फ्लोर का फर्दर प्लान। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये देखें जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने शिफ्टिंग की तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। इवन के घर अभी अपनी कंप्लीशन में भी नहीं है। ये इसका ज़बरदस्त सीलिंग डिज़ाइन है। ये आपको लाउंज एरिया यहाँ पे मिल जाता है और उसी के साथ साथ ओपन मॉडर्न किचन को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये इसका ज़बरदस्त किचन है। सेंटर में यहाँ पे स्लैब है जहाँ पे बर्नर और उसके ऊपर किचन हुड आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिलता है आपको जहाँ पे वॉश एरिया है। काफ़ी बड़ी यहाँ पे एल्यूमिनियम की विंडोज़ को डिज़ाइन किया गया है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी है कि इस किचन से आप जैसे ही ऊपर देखते हैं ऊपर भी 12 mm के टेम्पर्ड ग्लास को लगाया गया है। ये एक रीज़न इसकी ये भी थी कि जो क्लाइंट थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि घर में जो सनलाइट है वो हर तरीके से घर में पॉसिबली एंटर हो सके, तो उस चीज़ को नज़र में रख कर इस घर की डिज़ाइनिंग की गई है। और ये है इसका सर्विस किचन। सर्विस किचन में अगेन आपको काफ़ी बड़ी विंडोज़ मिलती हैं। और ये है वॉश बेसन, अगेन यहाँ पे बर्नर, उसके ऊपर किचन हुड। और ये लॉबी से, सॉरी गैलरी एरिया से एंट्रेंस का ये रास्ता है और रेफ्रिजरेटर के लिए यहाँ पे स्पेस को छोड़ दिया गया है। उसी के साथ साथ ये यहाँ पे भी देखें आप कैबिनेट्स को किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस घर में एक एक चीज़ को डिज़ाइन किया गया है सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से, जैसे जैसे वो चीज़ चाहते थे वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन 36 ने प्रोवाइड की है उनको। एक बार यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कंप्लीट, कितना ज़बरदस्त सा और स्पेशियस सा व्यू आपको मिल जाता है। बिल्कुल सामने देखें आप, और उसी के साथ आप इस विंडो की बैक साइड पे मैं आपको बाहर से लेके चलूँगा सामने का एरिया, और उसके साथ ये जो नीचे संकन एरिया है इसका बाहर से मैं आपको कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा। और यहाँ पे टीवी लाउंज के बिल्कुल साथ ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम को डिज़ाइन किया गया है जिसमें फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की रखी गई है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, काफ़ी स्पेशियस सा ये बेडरूम है। और राइट साइड पे बेड वॉल है। इस घर की कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी डिज़ाइन 36 ने ही की है। यहाँ से भी आप अपने बेडरूम से देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त व्यू आपको मिल जाता है। नीचे संकन एरिया है बेसमेंट का, उसी के साथ ये जो पाथवे आप देख रहे हैं जो गैलरी एरिया है इसके ऊपर कवरेज की गई है, इसके नीचे सिंथेटिक ग्रास को लगाया गया है। और यहाँ पे फुली हाइटेड विंडोज़, ये मीडिया वॉल है। और इस साइड पे आप देखेंगे ये अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में जैसे एंटर होते हैं बिल्कुल सामने वॉकिंग क्लोजेट को डिजाइन किया गया है। और यहाँ लेफ्ट साइड पे काफी बड़ा शॉवर एरिया और उसी के साथ आगे वॉल फिटेड कमोड है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त एलिगेंट सी वॉल है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैनिटी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मिरर, रूफ पे एग्जॉस्ट फैन, उसी के साथ साथ राइट साइड पे आपको विंडो भी मिल जाती है ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। और इस बेडरूम से अगेन आप जैसे बाहर आएंगे ये लाउंज है और ये किचन।
बेसमेंट का एरिया मैं आपको विजिट करवा देता हूँ, जहाँ पे कंप्लीट दो बेडरूम है, उसी के साथ लाउंज है, स्टोर रूम भी है। उससे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रेनाइट का यूज किया गया है। और रेलिंग को बनाने के लिए रॉट आयरन और महागनी वुड के कम्बिनेशन से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से भी व्यू आप देख लें। आप स्टेयर के से ऊपर जैसे आते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाती है। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो इस घर के ऑनर हैं, उन्होंने सामान लाना शुरू कर दिया हुआ है। और ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इस घर की साइड से आप देखेंगे काफ़ी बड़ी अगेन यहाँ पर आपको विंडोज़ मिल जाती हैं, उसी कॉन्सेप्ट के साथ जैसे कि क्लाइंट चाहते थे कि इस घर के हर जगह पे उन्हें जो रोशनी है सूरज की वो प्रॉपर और भरपूर तरीके से पहुंचे। ये है बेसिकली आप देख सकते हैं लॉन्ड्री एरिया। और उसी की दूसरी साइड पे आप जैसे आते हैं, ये आ जाता है जी इसका फ्रंट टेरेस। घर माशाल्लाह खूबसूरत होने के साथ साथ इस घर की लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। पीछे जो सामने आप देख रहे हैं जहाँ पे घर बने हुए हैं, वो DHA राया की वॉल है, उसी के बिल्कुल साथ इस घर की लोकेशन है। और ये ऊपर से डबल हाइटेड लॉबी का व्यू है, नीचे से आप देख सकते हैं एंट्रेंस डोर। फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ यही जगह को डिज़ाइन किया गया है, उसके अलावा यहाँ पे ये आप देख रहे हैं स्पेस फ्यूचर प्लानिंग के लिए इसको इस वक्त छोड़ दिया गया है। और ये रूफ पे वो जगह है जहाँ से मैंने आपको नीचे से दिखाया था कि किचन से आप ऊपर देख सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास को यहाँ पे फिक्स किया गया है। 12 mm का ये ग्लास है। और यहाँ पे अंदर वाटर टैंक को रखा गया है। ये जो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इस घर की डिज़ाइनिंग, जैसे भी आप देख रहे हैं, ये सेम टू सेम क्लाइंट के जो जहन की विजुअलाइजेशन थी उसका फाइनल प्रोडक्ट है ये। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बारबेक्यू एरिया यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। अभी यहाँ पर भी काम शुरू हो चुका है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी वुडन टेक्सचर में पेंट होना बाकी है। उसके अलावा इसकी अभी डिजाइनिंग भी रहती है। और यहां से मैं आपको एक बार व्यू दिखा रहता हूँ, आप अपने रूप से देखेंगे घर का इनर लॉन एरिया, उसी के साथ साथ कार पोर्च का व्यू जबरदस्त। और सामने इस घर का जो सेकंड टेरेस है, जो भी मैंने आपको दिखाया, लॉन्ड्री एरिया से पास होके आप एक्सेस ले सकते हैं। और इधर भी वॉल में ग्लास को प्लेस किया गया है। और ये जो जगह है बहुत ही ज़बरदस्त, पर्सनली मेरी भी फेवरेट प्लेस है ये, मैं नीचे से भी आपको दिखा दूंगा। सबसे नीचे आप देखेंगे बेसमेंट एरिया है, जिसको बेसमेंट में संकन एरिया है, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से व्यू आपको मिल जाता है। और यहाँ टॉप फ्लोर पर खड़े होकर भी आप तीनों फ्लोर्स का व्यू देख सकते हैं। तो इसके साथ इस घर के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब जो इसकी सबसे ज़बरदस्त जगह है वो है इस घर का बेसमेंट एरिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत सिर्फ मुझे इसीलिए पेश आई क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि हमें भी वो चीज़ आप शो करवाएं। काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स थे जो कि फिज़िकली यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकते थे, तो उनके कहने पे स्पेशल इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़बरदस्त दिखाऊंगा कि आप जैसे ही उतरेंगे यहाँ स्टेयर कैसे बेसमेंट की जानी, नीचे आप नीचे देखेंगे और यहाँ ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर की जानी आपको लेके जा रही है स्टेयर केस।
और यहाँ पे अगेन आपको वही व्यू मिलता है जैसा कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे देखे कि हाइटेड यहाँ पे विंडोज को डिजाइन किया गया है। और व्यू देखें आप कितना वाइड एंगल व्यू मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी नीचे संकन एरिया है जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है बहुत ही खूबसूरत एलिगेंटली डिजाइंड बेसमेंट एरिया। आप स्टेयरकेस से जैसे ही नीचे उतर रहे हैं, यहाँ राइट साइड पे अभी फाउंटेन को फिक्स करना बाकी है। उसके साथ साथ सामने आप देख रहे हैं इसकी बेसमेंट में सिटिंग लाउंज है, उसी के साथ मॉडर्न किचन है। यहाँ पे सिटिंग चेयर्स, कॉफ़ी चेयर्स भी आप इनको कह सकते हैं, उनको प्लेस किया गया है। इसका सीलिंग डिज़ाइन खूबसूरत सा शैंडिलियर। और स्टेयर से आप जैसे ही नीचे उतरेंगे, बिल्कुल सामने यहाँ पे बेसमेंट का बेडरूम नंबर 1 है। ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फ्लोरिंग यहाँ पे कंप्लीट वुडन की गई है। सोफा को यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है। ये बेड वॉल, उसके आगे बेड भी प्लेस कर दिया गया है। और ये है मीडिया वॉल इसकी बैक साइड पे। ये संकन एरिया, ये वो एरिया जब मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा था तो मैंने आपको जो दिखाया था। ओवरऑल इस बेड का जो व्यू है वो बहुत जबरदस्त आपको मिल जाता है। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में आप एंटर होते हैं तो बिल्कुल सामने यहां पे वार्डरोब है, और ऐसे ही राइट साइड पे भी वार्डरोब को डिजाइन किया गया है। फर्दर यहाँ से लेफ्ट होके वॉशरूम का जो बाकी एरिया है, जहाँ पे बिल्कुल सामने शॉवर एरिया है। राइट साइड पे वॉल फिटेड कमोड है। ये है इसका सीलिंग डिज़ाइन। और यहाँ लेफ्ट साइड पे बहुत ही ह्यूज इलेक्ट्रिक मिरर है, उसी के साथ वैनिटी है। काफ़ी बड़ी स्लैब को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और इस बेडरूम से बाहर आके राइट साइड पे ये स्टोर रूम है। इस वक्त लॉक किया हुआ है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि घर कंप्लीट होने से पहले ही जो क्लाइंट हैं उनको थोड़ी सी अर्जेंसी है, उनका सामान पड़ा हुआ है। यहाँ से भी व्यू देख लें आप, बहुत ही एलिगेंट और ज़बरदस्त सा। इसकी बैक साइड पर मैं आपको दिखा रहता हूँ इसका संकन एरिया। यहाँ से भी और यहां पे भी आप देख लें महागनी वुड का यूज है कंप्लीट। और यहां से फर्दर बेसमेंट के एरिया की एक्सेस है। इसका अगेन आप डोर साइज देखेंगे, फुली हाइटेड इसका डोर डिजाइन है। तो इसमें आप जैसे एंटर होंगे ये इसका सीलिंग डिजाइन है। ये लिविंग एरिया है जिसको आप टीवी लाउंज भी बोल सकते हैं। कोशिश मेरी थी कि जब ये घर कम्प्लीटली तौर पे फर्निश्ड कर चुके होंगे क्लाइंट, तो उसके बाद मैं इस घर का ओवरव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन जब मैंने देखा कि क्लाइंट जो है उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, तो मुझे लगा कि जब तक मैं कम्प्लीशन का वेट करूँगा मैं इसकी वीडियो नहीं कवर कर सकूँगा, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेकर आया हूँ। और ये आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न किचन है, उसी के साथ यहाँ पर आपको एरिया मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। और ये है बहुत ही खूबसूरत सी चीज़, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, और बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे जो मैंने आपको रूफ से खड़े होकर दिखाया था जो व्यू, वो अब आप नीचे से देख रहे हैं। और यही व्यू आपको सामने वाले बेडरूम से भी मिल जाता है, वो अभी जाके मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये है इसका बेसमेंट का बेडरूम नंबर 2। इसमें आप एंटर होते हैं, एंटर होकर यहाँ राइट साइड पे इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग अभी आप देख ही सकते हैं कि चल रही है। और ये है इसका वॉशरूम, बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट ब्यूटीफुल थीम दी गई है इस वॉशरूम को।
जिसमें आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पे वैनिटी है, उसके ऊपर मिरर, बिल्कुल आगे कमोड है और उसी के आगे शॉवर एरिया है। फर्दर लेफ्ट साइड पे यहाँ पर वार्डरोब को डिजाइन किया गया है और ये है बेडरूम, इसका सीलिंग डिजाइन, बेड वॉल, बेड को भी प्लेस कर दिया गया है। फ्लोरिंग यहाँ पे अगेन वुडन की ही रखी गई है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और इस बेडरूम से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आपको व्यू तो मिलता ही है, उसी के साथ जो एरिया है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है। और ये है सामने मीडिया वॉल, तो व्यूवर्स इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि वो लोग जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, मैप डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं या इवन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाह रहे हैं, उनको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करते भी हैं और काफ़ी ऐसी साइट्स हैं जो इस वक्त अपनी वर्किंग कंडीशन में हैं, उनका काम अभी चल रहा है। और मेरी आगे कोशिश होगी कि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाता रहूँ जो कि अभी अपनी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट नहीं की है, जिन्होंने जो कि प्रोसेसिंग में है, ताकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएं। और उसी के साथ साथ इस घर का जो फ्लोर प्लान है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको इसका आप गैलरी एरिया विज़िट करवाता हूँ, ये जैसा कि मैंने आपको अंदर से दिखाया है। ड्राइंग रूम है, उसी के आगे ये जो मैं नीचे से दिखा चुका हूँ आपके, ये सामने बेडरूम, नीचे बेसमेंट में ये इसका गैलरी एरिया है। प्लांटर्स यहाँ पे अभी इनको बस रखना बाकी है। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं इसके ऊपर कोटिंग की गई है, इसके नीचे सिंथेटिक ग्रास है जिसको आप आर्टिफिशियल ग्रास भी बोल सकते हैं। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, और इधर से भी आप देख लें, जैसा कि आप ये रोड देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फेंस सिस्टम यहाँ पे अभी लगाने की तैयारियाँ हो रही हैं। और एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट के सर्वन क्वार्टर उनको चाहिए था बेसमेंट में ही, तो यहीं पे सर्वन क्वार्टर है, उसी के साथ अटैच वॉशरूम है और मिनी किचन को डिज़ाइन किया गया। और गैलरी एरिया से यहाँ पे जो इसका सर्विस किचन है ग्राउंड फ्लोर का, उसके एक्सेस के लिए रास्ते को डिज़ाइन किया गया। इस घर की एक एक चीज़ की कस्टमाइजेशन क्लाइंट की एज पर रिक्वायरमेंट की गई है, जैसा उनको चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटिस्फाइड क्लाइंट है, उन्हें हर वैसी चीज़ मिली है जैसा कि उन्होंने चाहा था। ये देख लें इसका अगेन, इसका फ्रंट एलिवेशन, मैं इसकी आपको साइड्स भी दिखा देता हूँ राइट और लेफ्ट साइड से। आप ये लेफ्ट साइड से देखते हैं इसका व्यू, और इसी के साथ मैं आपको इसकी राइट साइड से भी व्यू दिखा देता हूँ कंप्लीट। तो इसी के साथ आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अगर उसके अलावा भी किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप चाहते हैं होनी चाहिए उसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें लेकर आ सकूँ।
ये इसकी राइट साइड से व्यू है, और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि इस घर के जो डिज़ाइनर हैं समीर शाहिद साहब हैं, डिज़ाइन 36 के जो CEO और मार्केटिंग हेड हैं, और इसके अलावा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इनके वालिद साहब शाहिद महमूद साहब, जो कि DHA में कंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा ओवरऑल लाहौर और पंजाब में काफ़ी उन्होंने काम किया, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनकी सरपरस्ती में इस घर को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, पहली ईंट रखी गई, ईच एंड एवरीथिंग उनकी नज़र से होकर गुजरी है। तो इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हो, मैप डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन 36 काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह ताला लोगों को उनके माइंड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का आउटपुट निकाल के देता रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर भी आपको ज़बरदस्त घरों की वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।